शिक्षक साथियों नमस्कार, मैं हूँ नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे आज हम बात करेंगे बेसिक शिक्षकों के लिए ई पाठशाला फेज 5 की शिक्षक डायरी आप कैसे भरें। इसके पहले मैं शिक्षक डायरी भरना बता भी चुका हूँ। यहाँ पर हम आपको 5 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक की यानी प्रथम द्वितीय तृतीय सप्ताह की डायरी को आप कैसे भरें। जो भी निरीक्षण हो रहे हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों यानी BSSR कर रहे हैं, वो सारे लोग आपकी शिक्षक डायरी देख रहे हैं। इसके पहले महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने भी इस संदर्भ में 2 बार GO जारी कर चुके हैं और पुनः बार बार कहा जा रहा है शिक्षक डायरी भरने के लिए। इसलिए सभी शिक्षकों को, जो भी वो क्लास पढ़ाते हैं, उनको शिक्षक डायरी भरनी है। तो यहाँ पर हम प्रथम सप्ताह की डायरी आपको भर के बताएंगे और दूसरे और तीसरे सप्ताह की भी डायरी यहाँ पर हम आपको भर के दिखाएंगे, जिससे आप उसे देख करके बहुत आसानी से अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं और आने वाले निरीक्षणों से आप बच सकते हैं। तो आज यहाँ पर हम देखते हैं कक्षा 3 की डायरी कैसे भरी जाए, वो भी 5 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो डायरी का जो सबसे पहला पेज होगा, उस पर आपको ये कॉलम खींचने हैं। सबसे पहला कॉलम होगा कुल छात्र का कॉलम, उसके बाद होगा छात्र जिनके पास स्मार्ट फोन है, अगला है व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, अगला है दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, अगला है दीक्षा ऐप डाउनलोड करने वाले छात्रों की संख्या, और अगला है रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करने वाले छात्रों की संख्या, और अगला गलत छप गया, यहाँ पर लिखना है प्रेरणा लक्ष्य डाउनलोड करने वाले छात्रों की संख्या, यानी प्रेरणा ऐप वहाँ पे डाउनलोड नहीं करवाना है। फिर है प्रेरणा साथी रजिस्ट्रेशन की संख्या, तो आप जितने भी किए हैं, मान लिया एक किया है तो आप एक उसका नंबर लिख लीजिए, और उसने कितने बच्चे पढ़ाने के लिए आपसे बताया है उनकी संख्या भी आप नोट कर सकते हैं। ये जब भी आपकी कोई मीटिंग्स होंगी उन सब में ये रिकॉर्ड आपसे मांगा जाएगा, और ये रिकॉर्ड आपको क्या करना है कि अगर आप क्लास 3 पढ़ा रहे हैं तो कक्षा 3 में आपके कक्षा में कितने बच्चे हैं, और उसी हिसाब से आप उसमें देखते हुए चले जाएंगे किसने कितने के पास स्मार्टफोन, सारी जानकारी आप बना के रख लेंगे। और ये पेंसिल से भरिएगा क्योंकि घटती बढ़ती रहती है, जब भी कोई गार्जियन मिले उस पर आप रीड अलोंग ऐप डाउनलोड कर दिया या फिर दीक्षा ऐप डाउनलोड कर दिया, तो इसलिए ये पेंसिल से नीचे भर लें। अगर कोई आता है तो उसको बताने में बहुत आसानी रहती है, और जो भी मासिक मीटिंग्स होंगी या जिले से टैट मेंटर की तरफ से जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इसकी संकलित जो है रिपोर्ट वो आपकी प्रधानाध्यापक के द्वारा जाती है। तो आइए देखते हैं हमें शिक्षक डायरी बनानी कैसे है। दूसरे पेज पे आप ई पाठशाला 5 प्रथम सप्ताह 5 जुलाई से 11 जुलाई तक का, मतलब आप प्रति सप्ताह आपको ये डायरी बनानी है। तो सबसे पहले का जो कॉलम होगा वो होगा दिनांक, दूसरा कॉलम होगा दिन, और तीसरा कॉलम थोड़ा बड़ा होगा जिस पर लिखेंगे आप दूरदर्शन सामग्री DD UP समय 10 बजे से 10:30 बजे तक, उसमें 2 कॉलम कर लेंगे विषय और टॉपिक, और तीसरा कॉलम बनाएंगे आओ अंग्रेजी सीखें, और एक अगला बड़ा सा कॉलम बना लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित वीडियोस के लिंक, उसमें 2 कॉलम बनेंगे विषय और विषय वस्तु और वीडियो का लिंक जो हम सबको प्रेषित किया जाता है जिसे हमें भेजना है, तो इसी के आधार पर आपको बनाना है। और इसी में अगर आप चाहें तो आगे मोहल्ला क्लास का भी बना सकते हैं, यानी किन बच्चों से आप मिले, ढेर सारी चीज़ें आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम इसे जोड़ते हैं। पहला 5 जुलाई से देखिए कौन कौन कंटेंट आए थे और उन्हें आप अपनी डायरी में इसी तरीके से मेंटेन करना है। तो 5 जुलाई 2021 को दिन सोमवार था और DD
दूरदर्शन पर उस दिन हिंदी का प्रोग्राम प्रसारित किया गया था और उसका टॉपिक यानी पाठ का नाम था मुर्गा और लोमड़ी, और उस दिन अंग्रेजी आओ सीखे का एपिसोड नंबर 23 प्रदर्शित किया गया था और व्हाट्सएप लिंक पर जो वीडियो के दो लिंक प्रदर्शित हुए थे वे हिंदी और गणित के थे। जो हिंदी तो हिंदी का जो लिंक था हिंदी वर्णमाला की पहचान, इसका लिंक था http://bitbit.ly/325-1 और गणित का था 51 से 60 तक की संख्याओं की पहचान, और लिंक था http://bitbit.ly/325-4। तो इस आइए देखते हैं 6 जुलाई का प्रोग्राम क्या था। तो दिनांक 6 जुलाई 2021 दिन मंगलवार था, विषय हिंदी था और उसका टॉपिक था बंदरबाट, आओ अंग्रेजी सीखे का एपिसोड नंबर 30 प्रदर्शित किया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए कोई भी लिंक नहीं आया था इसलिए वहां पर आप खाली इसे छोड़ देंगे। अब देखते हैं 7 जुलाई दिन बुधवार, विषय हिंदी का जो टॉपिक था वो था तालाब में चांद, और उस दिन आओ अंग्रेजी सीखे का एपिसोड नंबर 31 प्रसारित किया गया था और व्हाट्सएप ग्रुप में दो विषय हिंदी और गणित के दो लिंक आए थे, जिसमें पहला हिंदी का था शब्दों की प्रथम ध्वनि की पहचान और गणित में था 61 से 70 तक की संख्याओं की पहचान। ठीक उसी प्रकार से 8 जुलाई 2021 यानी दिन गुरुवार था, गणित विषय के लिए डीडी दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रसारित किया गया था जिसका विषय था सीखो का कमाल और अंग्रेजी और सीखे में एपिसोड 32 प्रदर्शित किया गया था। अब आप इन सबको भर लेंगे, अब मैं एक एक करके आपको सभी प्रथम सप्ताह का बताने जा रहा हूँ, द्वितीय और तृतीय सप्ताह का भी इसमें डाल देंगे, आप उसे नोट कर लीजिएगा। अब पीछे आपका बैकग्राउंड में संगीत बजता रहेगा और आप जो है यहाँ से देख करके रोक करके वीडियो को आप भर सकते हैं। तो ये 9 का कार्यक्रम है, अब आप देखते हैं 10 का कार्यक्रम क्या था।